आज ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए नहीं है, बस एक मेरा मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर और जो भी YouTube पे इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो गरीब या मिडिल क्लास के हैं वो बहुत ही जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि कोई भी आज के डेट में गरीब रहना नहीं चाहता, और आपके थंबनेल देखकर कि 1 करोड़ 1 दिन में, 1 करोड़ 10 दिन में, 1 करोड़ 1 महीने में देखकर वो क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक करने के बाद उनके माइंड को आप अच्छी तरह वॉश करते हैं कि आपने कितना कमाया, क्या ये सच है कि आपने उतना कमाया है? सच है तो आप अपने तक सीमित रखिए। अगर मैं एक बाइक को स्पीड चलाकर दिखाता हूँ तो आज के यंग जनरेशन जो है उसको फॉलो करने लगते हैं, इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। आप उनके फाइनेंस के एक्सीडेंट को ज़्यादा कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं आप लोग, उसके बाद वहाँ पर कॉल देने लगते हैं, कुछ प्रॉफिट तो देते हैं, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि 500 को प्रॉफिट दिए, 500 को लॉस दिए, वो 500 आपसे मोटिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर 500 में से 250 को आप फिर प्रॉफिट दे देते हैं, क्योंकि आपका एक पुट और कॉल दोनों अगर किसी में लगाया जाए तो कोई ना कोई एक तो प्रॉफिट देगा और वो प्रॉफिट दे देता है। ऐसे करके आप एक ग्रुप को प्रॉफिटेबल बनाते जाते हैं और एक को लॉस देते जाते हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए मैं 2 बार 3 बार आपसे प्रॉफिट ले लिया तो मुझे ये सीओटी हो जाती है कि मैं प्रॉफिट और जल्दी ही और ज़्यादा प्रॉफिट लेकर करोड़पति बन जाऊँगा या फिर रिच बन जाऊँगा। उसके बाद मेरा यहाँ से काम स्टार्ट होता है और मैं गलत रास्ते पे निकल पड़ता हूँ। यहाँ से मैं लोन लेना चला जाता हूँ, बैंक से लोन लेता हूँ, इतना लोन ले लेता हूँ जिसका मैं भरपाई नहीं कर पाऊँगा अपने जॉब से। इस टेंशन में फंस जाता हूँ कि EMI कैसे पे करूँ, क्योंकि उसके बाद लॉसेस की जो सीढ़ियाँ है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे जितने पैसे मैंने लोन लिया था वो भी बर्बाद हो जाता है। EMI भरना पड़ता है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते, जॉब से सैलरी कम होता है। ये चारों तरफ के टेंशन एक नॉर्मल इन्वेस्टर पे आकर ऐसा होता है कि उसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, जो YouTube पे दिखाया नहीं जाता। एक नॉर्मल कंडीशन से आप उस मिडिल क्लास के बंदे को ऐसे जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लगता तो सब कुछ सही है, लेकिन ये सिर्फ YouTube तक लगता है, बाद में उसके बैकग्राउंड पे देखें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है 90% लॉस होते हैं, 90%, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं अगर 100 इन्वेस्टर आज ट्रेड करते हैं तो 90% का पैसा लॉस होता है, और आप उस पर मनमाना गारंटी देते रहते हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा, आप SEBI से भी बढ़कर हो जाते हैं। ये गलत है, मिडिल क्लास को मिसगाइड कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में बड़े एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है उनको। रिक्वेस्ट है ऐसे थंबनेल ना डालें, ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के गारंटी रिटर्न वाले वीडियो ना डालें, और अपने खास करके अपने एडिट वाले प्रॉफिटेबल जो स्क्रीनशॉट है उसको ना शेयर करें। आप क्या शो करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट करके कि आप बहुत रिच हैं, आपने रिच बन गया? तो आप यूट्यूब पे क्यों हैं? आप वहीं पे ट्रेडिंग कीजिए, वहीं पे वीडियो बनाइए, वहीं पे जो करना है यूट्यूब पे आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप तो ऐसे ही कमा लेंगे, तो आप वहीं करोड़पति बन जाइए। आप उसके स्क्रीनशॉट को दिखा के कोर्सेज बेचना, उस स्क्रीनशॉट को दिखा कर आप अलग अलग नए नए अपने कमाई के रास्ते को तैयार करना, अगर किसी फ्यूचर एंड ऑप्शन के पास ऐसा मेथड है कि वो गारंटी रिटर्न लेंगे तो वो तो फिर उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ किसी चीज़ की, और ना इतने माथा मारी की कि वीडियो एडिट करें, ग्रीन स्क्रीन लगाएं, उस पर इतना एडिटिंग करके टाइम वेस्ट करें, शेयर करें, इतना ज़रूरत क्यों है? आप लोग खुद ही अपने पैसा को बना लीजिए। रिक्वेस्ट है, लास्ट वीडियो को क्लोज करता हूँ, ऐसा ना करें, गरीबों को और मिडिल क्लास को मिसगाइड ना करें, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में उनके पैसे को गड्ढे में ना डालें। थैंक यू सो मच, आप देख रहे थे मैस्ट्रो इन्वेस्टर, मिलेंगे जल्द ही एक अच्छे वीडियो के साथ।